सुधीर सर से कुछ उम्मीद लगा कि हाँ ये हमारे आर्थिक स्थिति को सुधार सके। ट्रेडिंग में सब तरह की सुविधा है सर, खाना पीना से लेकर इक्विपमेंट इक्विपमेंट सब सिलेक्ट कर दो। बोलते हैं कि लगे रहो तुमको इंटरनेशनल तक जाना। स्क्रीन पर जिसकी आप तस्वीर देख रहे हैं, यह जो है वीर बुद्धू भगत के वंशज हैं जो इस वक्त जो है ट्रेनिंग कर रहे हैं। हम सिल्ली पहुंचे थे, चुनावी यात्रा में थे, तब इनसे मुलाकात हो गई। ये बताइए कि कैसे आप यहाँ तक पहुँचे? सुधीर सर मेरा गांव के बगल वाले गांव पे गए हुए थे, तो वहीं पे मेरे बाबा से उनका बातचीत हुआ। फिर बाबा सुधीर सर का आवास उनसे मिलने के लिए आए थे, तो वहीं से फिर यहाँ से पहुँचे। इससे पहले आप क्या करते थे? इससे पहले पढ़ाई करते थे। कहाँ पढ़ाई करते थे? गाँव में सिलगाई। सिलगाई में आपके परिवार की स्थिति अभी कैसी है और क्या कारण रहा कि यहाँ तक आपको यहाँ आना पड़ा? आर्थिक स्थिति थोड़ा खराब परिवार का, इसीलिए यहाँ आना पड़ा। क्या उम्मीद लगा सुदेश जी की? सुदेश जी को ही आपके परिवार ने जो है अपनी पीड़ा बताई। सुदेश सर से कुछ उम्मीद लगा कि हाँ ये हमारे आर्थिक स्थिति को सुधार सकते। पढ़ाई लिखाई कहाँ तक की है? पढ़ाई लिखाई इंटर थी, अभी ग्रेजुएशन की तैयारी कर रहे हैं। पढ़ाई कर रहे हैं जी सर। यहीं रह के आप ट्रेनिंग करते हैं जी? ट्रेनिंग में किस किस तरह की सुविधाएं हैं? ट्रेनिंग में सब तरह की सुविधा है सर, खाना पीना से लेकर इक्विपमेंट इक्विपमेंट सब सिलेक्ट कर देते। अभी कहाँ कहाँ आप खेलने जा चुके हैं? अभी आंध्र प्रदेश गए हैं, महाराष्ट्र गए हैं, पटियाला में। कहीं से मेडल मिला ये हासिल करते हैं? जी सर। कहाँ कहाँ से मेडल मिला? एक महाराष्ट्र में मिला था सब जूनियर नेशनल में गोल्ड, और दूसरा मिला था स्कूल नेशनल अंडर 14 में गोल्ड मिला। अब आप सुदेश जी से मिलते हैं तो कभी बात हुई है आपकी? क्या कहते हैं? हाँ बात होती है, तो बोलते हैं कि लगे रहो तुमको इंटरनेशनल तक जाना, आगे भी आपको जाना जी। ये बताओ कि कितनी की इसकी लागत आती है, क्या कोस्टिंग आती है? 3.5 से 4 लाख एक काम के लिए जी। कैसे? और जो एरो है, एरो कितना लगता है? एरो 45,000 रुपये पूरा एक दर्जन। हाँ पूरा एक दर्जन 45,000 जी सर। एक भी टूट गया तो फिर जो है नुकसान। 3,500 में तो एक नॉर्मल फैमिली जो है इसको नहीं खरीद सकता, नहीं कमाने वाले घर में कोई नहीं रहे। नहीं।